जेल जेल एक ऐसी खौफनाक जगह है जहां हवाएं भी ऊंची ऊंची दीवारों से टकराकर खामोश हो जाती है। पर कुछ ऐसे जिंदा दिल लोग भी होते हैं जो अंधेरी काल कोठरी में भी रोशनी पैदा कर देते हैं। मैं आपको जेल की एक सच्ची घटना सुना रहा हूं। एक साहब जेल होगी और जब किसी को सजा हो जाती है और वो जेल पहुंचता है तो उसको काम पर लगा दिया जाता है। इन साहब को मिठाइयां बनाने के काम पर लगा दिया गया। अब एक रेड़ी पर दिन भर सामान ढोना और अलग अलग जगह पर मिठाइयां पहुंचाना संजीदा रहने वाला इस शख्स ने अपने आप को वक्त के हवाले कर दिया और अपने आप को खुश मिजाज बना लिया। जब और मुस्कुरा कर ऐसा लगता है या दूसरों को देखकर ऐसा लगने लगा कि ये जो जगह है जो जेल है यहीं पर ये बढ़े पले यहीं पर रहे इनकी जिंदगी बिल्कुल यहीं पे घुल मिल गई। बेहद मुश्किल है गमगीन माहौल में मुस्कुराना छिपा के गम अपना हंसना और हसाना। एक दिन इनके साथी ने पूछ ही लिया इनसे, पेशे से तुम इंजीनियर थे, 1.5 लाख रुपए महीने की तुम्हारी तनख्वाह थी, यहां पर 70 रुपए रोज पर मजदूरों वाली रेड़ी खींच रहे हो और मुस्कुरा रहे हो, न कोई शिकवा न कोई शिकायत। बेहद संजीदा आवाज में जवाब दिया, कल की बात न करो, कल को याद न करो, भुला दो कल की बातें, आज की बात करो। जीना है कर, पूरी जिंदगी चैन से, भुला दो कल को, आज की बात करो, सिर्फ आज की बात करो। दोस्तों कितनी बड़ी बात कह गया, क्या कह गया ये शख्स। अगर कुछ समझ में आया तो कमेंट करके बताना जरूर, बुरे वक्त में कैसे मुस्कुराना है ये लिखना जरूर।